इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने अब इन्हें बनाया इंडियन टेस्ट टीम का वाइस कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने दी जानकारी, जब तक डेविड वार्नर नहीं लौटेंगे ये बल्लेबाज करेगा ओपनिंग। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज करेंगे अपना डेब्यू। तरीन खेल की खबरों के साथ स्पोर्ट्स स्टोरी की जानिब से नाजरीन को शफी का सलाम पहुंचे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हम पहुंचे सबसे जल्द। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने अब इन्हें बनाया इंडियन टेस्ट टीम का वाइस कैप्टन। अजिंक्य रहाणे ने अपने टेस्ट करियर में तीसरी बार टीम इंडिया की कमान संभाली है। रहाणे की कप्तानी में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज के बचे हुए तीन मैचों में मैदान पर उतरेगी। विराट कोहली इंडियन टीम के कप्तान हैं, लेकिन अब विराट के इंडिया लौट जाने के बाद उन्हें टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। रहाणे को इंडियन टेस्ट क्रिकेट का वाइस कैप्टन 2016-17 सीजन में बनाया गया था और तब से वो ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं उन्होंने पहली बार टेस्ट टीम की कप्तानी साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी। इसके एक साल के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में कप्तानी की है और इंडिया को दोनों में ही जीत मिली है। साथ ही उनका विनिंग परसेंटेज 100% है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों के लिए टेस्ट कप्तान बनने के बाद बीसीसीआई ने टीम का वाइस कैप्टन चेतेश्वर पुजारा को मुंतखब किया है। उन्हें तीनों टेस्ट मैचों के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने दी जानकारी, जब तक डेविड वार्नर नहीं लौटेंगे ये बल्लेबाज करेगा ओपनिंग। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला मैच जीत कर इंडिया के खिलाफ 1-0 की बढ़त हासिल कर रखी है। तजुर्बेकार डेविड वार्नर के जख्मी होने की वजह से टीम के ओपनिंग में मुश्किल खड़ी हो गई है। एडिलेड टेस्ट में जो बंस के साथ मैथ्यू वेड ने पारी की शुरुआत की थी और कप्तान टिम पेन ने ये साफ कर दिया है कि वार्नर के लौटने तक वो इसी जगह पर खेलेंगे। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज करेंगे अपना डेब्यू। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंडियन टीम ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान जुमा के रोज कर दिया था। टीम में चार बड़े बदलाव हुए हैं। चोट की वजह से बाहर होने वाले तजुर्बेकार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की जगह पर इस मैच में मोहम्मद सिराज टेस्ट डेब्यू करेंगे। ऐसे में उनके पास एक सुनहरा मौका है अपनी परफॉर्मेंस से टीम में जगह बनाने का। इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में अजिंक्य रहाणे कप्तान, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा वाइस कप्तान, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज शामिल हैं। अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मैनचेस्टर सिटी के दो खिलाड़ी। मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी गैब्रियल जेसस और काइल वॉकर कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। टीम ने कहा, स्टाफ के दो लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सारे लोग प्रीमियर लीग और सरकार के प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन में हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।